प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन सर्विस में अवसुप्रिय के अगुवी होने के नाते हम सभी मिलकर स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक और प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ दिया कि हम उसकी महिमा करते हुए संसार में जारी रहे। प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा है कि इस अंधकार से भरे इस समय में उसका महिमा करते हुए उसके उजाले को फैलाते जाए। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु हमें इस माध्यम के द्वारा एक दूसरे को जुड़ने दूसरे के साथ जुड़ने का हमें अवसर प्रदान करता है। हम आभारी हैं प्रभु के क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए हमारी कलीसिया और हर एक विश्वासियों के लिए वो भला रहा है। वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी हर एक बातों में देखभाल करता है संभाल करता है और यहाँ तक वो हमें लेकर आया है। आइए इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस की हम शुरुआत करें और इस शुरुआत में जब हम आराधना में जा रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, अपने मन को प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तेरे पास मेरे कार्यों से मेरी भलाई से नहीं पर प्रभु तेरे उस बलिदान जो तूने आज से 2000 वर्ष पूर्व मेरे लिए किया उसकी बदौलत मैं तेरे पास आता हूँ क्योंकि वो ही बलिदान ने मेरे लिए आपके पास आने के मार्ग को खोल कर रखा है। आज भी वो मार्ग खुला हुआ है क्योंकि आप अनुग्रह के उस सिंहासन पर हो, अभी आप उस न्यायासन पर विराजमान नहीं हुए और इसलिए वो मार्ग मेरे लिए खुला है कि मैं आपकी मदद पाने के लिए मेरे हर एक बातों में मेरे जीवन की हर एक बातों में और विशेष करके आपके साथ जुड़ी हुई बातों में आराधना में सेवकाई में आपकी महिमा में आपकी मदद पाऊं। प्रभु आप हमारे चरवाहे हो, आप हमें अगुवाई दीजिए। आज की आराधना के लिए प्रभु आप हमें लीड करें। प्रभु की दासी सिस्टर जैकलिन हमें इस आराधना में अगुवाई देने जा रहे हैं। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी भी मदद करें कि वो आत्मा की अगुवाई में हम सभी की अगुवाई कर सके प्रभु आपकी आराधना करने के लिए। प्रभु से कहे प्रभु हमें शुद्ध कर, प्रभु हमारे मन को शुद्ध कर। प्रभु का वचन कहता है कि मन में जो लोग शुद्ध है धन्य है वे क्योंकि वे प्रभु को देखेंगे। यारो आराधना वो ही बात है कि हम उसके मुख को निहारे। आराधना वो नहीं है कि हम कुछ मांगे परमेश्वर से, आराधना प्रभु को देना, आराधना प्रभु को देने की बात है। सो प्रभु से कहे प्रभु मैं मेरी बुद्धि से और मेरे आत्मा से भी, मेरी समझ से और मेरी आत्मा से भी प्रभु मैं तेरी महिमा कर सकूं, ऐसा अनुग्रह होने दे। मेरे मन को पूरा मैं तेरी आराधना में समा सकूं प्रभु, ऐसा अनुग्रह मुझ पर होने दे। मुझे शुद्ध कर प्रभु, मेरे ख्यालों को शुद्ध कर, मेरी बातों को मेरे होठों को तू शुद्ध कर ताकि यह अर्पण शुद्ध अर्पण प्रभु तेरे पास आए। परमेश्वर ना सिर्फ हम करने की खातिर यह आराधना न करें पर प्रभु यह आराधना हमारे दिल से हमारी आत्मा से निकले। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सहायता करें। शैतान की युक्तियों को हम यीशु के नाम में निष्फल करते हैं जो हमें आराधना करने को रोकती है, जो प्रभु को महिमा देने के लिए हमें हमारा ध्यान भटकाती है। ऐसी हर चीजों को ऐसे हर एक टेक्निकल इश्यूज को हम यीशु के नाम में बांधते हैं और यीशु के नाम में निष्फल करते हैं। पवित्र आत्मा तेरे लोगों की तू सहायता कर ताकि हम उस परमेश्वर की करीबी को महसूस कर सके। परमेश्वर क्योंकि जब भी तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं
तू उनके स्तोत्र पर विराजमान होता है। हाँ प्रभु, तू हमारे बीच आज विराजमान हो और महिमा पा परमेश्वर। आज की आराधना हम तुझे समर्पित करते परमेश्वर, तू अगुवाई कर पवित्र आत्मा, और तू हमें ले चल उस पवित्र स्थान में जहां पर हम तुझसे रूबरू हो सकते हैं। पवित्र आत्मा तू चलायमान हो हर एक घर में, हर एक दिल में, हर एक मन में, हर एक विचारों में, ताकि हम सभी के विचार एक होकर, एकजुट होकर हम तुझे कलीसिया होकर तेरी महिमा कर सके, तुझे आराधना दे सके। यीशु के नाम में हम आपके हाथों में इस बात को रखते हुए मांगते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर जैकलीन हमें आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगी, यह समय हम उनको देंगे। आए हम परमेश्वर के हुजूर में आए, उसकी उपस्थिति में आए और उसके नाम को महिमा करें। गीत के शब्द कहते हैं कि हुजूर में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं। परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, मैं आज खाली होकर तेरे पास आता हूँ, तेरी उपस्थिति में आता हूँ। आज तेरी उपस्थिति से मुझे भर दे, तेरे अनुग्रह से तू आज मुझे भर दे। प्रभु तू आज मेरे जीवन में आ जा। Shoot!
काफी है, चरणों में तेरे झुकता हूँ, हुजूरी में तेरे आता हूँ। जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस तेरा फजल काफी है, चरणों में तेरे झुकता हूँ, चरणों में तेरे झुकता हूँ यीशु, चरणों में तेरे झुकता हूँ। परमेश्वर आपके चरणों में आज हम झुक जाते हैं परमेश्वर, हम खाली होकर आज आपके पास आए हैं, आपकी उपस्थिति से आज हमें भर दीजिए। प्यारो परमेश्वर से कहे कि तेरी उपस्थिति से आज तू मेरे जीवन को, मेरे दिल, मेरे परिवार को, मेरे घर को तू भर दे। तेरी उपस्थिति आज हमारे बीच में आ जाए। प्रभु आप हमारे मध्य उपस्थित हो, हमने आपसे मांगा कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में आए, और आप हमारे मध्य में आए हो परमेश्वर। हम आपको आज श्रेष्ठ बलिदान देना चाहते हैं, श्रेष्ठ अर्पण देना चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा। प्रभु हमारी सहायता कीजिए, यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आए उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें। गीत के शब्द कहते हैं कि आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशु। प्यारो वो हमारा परमेश्वर है जो आंधियों को थमाने वाला परमेश्वर है, वो वचनों से डांटने वाला परमेश्वर है, वो शांत करने वाला परमेश्वर है, वो मार्ग निकालने वाला परमेश्वर है। आए उस परमेश्वर की आराधना करें, अपने घरों में, अपने स्थानों पर खड़े होकर, अपने हाथों को उठाकर उस महान यीशु की आराधना करें। भूल जाइए घर में क्या है, क्या हो रहा है, बस सिर्फ ये समय हमको प्रभु ने दिया है तो हम क्यों ना उसमें आनंदित और मगन हो जाए, क्यों ना उसकी आराधना हम पूरे मन से, पूरे हृदय से करें। आइए खड़े होकर, अपने स्थानों पर खड़े होकर उस महान यीशु की आराधना करें।
तेरे प्यारे यीशु वे पर चले आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं। प्यारो जब हम चलते हैं हमारा संबंध अगर परमेश्वर के साथ मजबूत है, हम उसमें बने रहते हैं, तो हमारे आगे आगे हमारा परमेश्वर चलता है, हमारी लड़ाइयों को वो लड़ता है। हम लड़े उससे पहले हमारा परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ता है। सच में हमारा परमेश्वर ही आराधना की योग्य है। इस संसार में आप किनको देखकर कह सकते हो कि ये वो महिमा के योग्य है? कोई नहीं है प्यारो। परमेश्वर ही है जो महिमा के योग्य है, जो हर एक परिस्थिति में आपकी और मेरी ओर दौड़ा चला आता है। चाहे हम तूफानों में हो, चाहे आग में हो, चाहे ऐसी चोटियों पर हो जहां से हमें गिरने का भय हो, पर हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने हमारी आज तक संभाल की है। उसने कुछ किया है इसलिए हम उसको आराधना नहीं दे रहे प्यारो। वो योग्य है इसीलिए हम प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं। इसलिए आप उन शब्दों को याद करें जो दानियल शाद्रक मेशक अबेदनगो ने कहे थे कि हमारा परमेश्वर शक्तिमान है। हम जानते हैं कि वो हमें इस आग में से, इस धधकती हुई भट्टी में से बाहर निकालने के लिए सक्षम है, पर फिर भी अगर वो नहीं निकालेगा तो भी हम उसी की आराधना करेंगे, उसी की सेवा करेंगे। प्यारो क्या आप ऐसी भट्टियों में से होकर भी, ऐसी स्थितियों में से होकर भी, उसमें से गुजरते हुए भी प्रभु को महिमा देना पसंद करोगे क्या? तो ही हमारी आराधना प्यारो सच में सच्ची आराधना है। संजोगों को देखकर तो हर कोई कहेगा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तुझे महिमा मिले, पर परिस्थितियां जब विपरीत हो तभी हमें कहना है कि यीशु तू महिमावान परमेश्वर है, तू ही आराधना के योग्य है। कई बार आप संकटों का सामना करते होंगे, पर यीशु ये जो निकाल सकता है। हमें वो चिंता नहीं करनी है कि ये संकट,
ये आग, ये ऊंचाई मुझे खा जाएगी, मुझे खत्म कर देगी। हमें ये देखना है, हमें वह देखना है कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। वो पुनरुत्थान का परमेश्वर है। उसके प्रति अब्राहम ने यह विश्वास किया था कि मेरे बेटे को मैं उसके सामने बलिदान कर दूं, फिर भी वो उसको जिलाएगा, क्योंकि उसी का वायदा उसने किया है कि उसी में से तेरा वंश गिना जाएगा। प्यारो, क्या आप सब कुछ चढ़ाने के लिए तैयार हो? मेरा प्रश्न आपको है, क्या इस संसार का, समाज का सामना करने के लिए तैयार हो? तो हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, हम तुझे आराधना दे रहे, तुझे भावता हुआ अर्पण दे रहे हैं। क्या लोगों के बीच में आप यीशु का नाम लेते हुए शर्मा जाते हो, कि लोगों की भीड़ में जुड़ जाते हो? आप अपने चाल चलन, अपने आचरणों को याद करें। सिर्फ गाना गाना ही आराधना नहीं है प्यारो, हर एक परिस्थिति में यीशु के प्रति हमारा समर्पण, वो आराधना है हमारी। हालेलुया, हालेलुया, हे बाला। परमेश्वर जो चाहता है क्या आप करने के लिए तैयार हो? क्या परमेश्वर से आप कहना चाहते हो कि प्रभु तू जो कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्रभु मैं तेरी राहों पर चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई भी कठिनाइयां, मुश्किल या तंगी, बीमारी, मुश्किल या कुछ भी आ जाए, लेकिन मैं तेरी राहों पर चलूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, तेरा हाथ थाम कर परमेश्वर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं आगे चलता जाऊंगा। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा। कहिए परमेश्वर से, अपनी आवाज को उठाकर कहिए परमेश्वर, तेरे प्यारे यीशु मेरे प्यारे यीशु। हाँ परमेश्वर, आपके बिना हम कुछ भी नहीं परमेश्वर, आप ही हमारे जीवन का मार्ग हो, आप ही हमारे जीवन का सत्य और आप ही हमारे जीवन की ज्योति हो परमेश्वर। आपके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते परमेश्वर,
जब हम आपके हाथ को थामते हैं, आपके हाथ को थाम कर चलते परमेश्वर, उस सारी मुसीबतों में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप हमारे साथ हो, हमारी जीवन रूपी नैया में आप हमारे साथ हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका सजदा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके सिवा कोई परमेश्वर ही नहीं। परमेश्वर आप ही एक जिंदा परमेश्वर हो, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसको हम महिमा देते हैं, जिसकी हम बड़ाई करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं। परमेश्वर हो धन्यवाद। परमेश्वर हालेलुया, आई उस परमेश्वर की स्तुति करें, उसको महिमा दे। शांत न खड़े रहे, अपने मुंह से स्तुति रूपी अर्पण निकाल कर उस यीशु का धन्यवाद करें। स्तुति रूपी बलिदान जो परमेश्वर को पसंद है वो उसको चढ़ाए। सजदा कीजिए, उसकी आराधना कीजिए। का मतलब होता है कि परमेश्वर की मैं स्तुति कर रही हूं, उसकी आराधना कर रहे हूं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, गाइए मिलके। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा और एक बार
वो सत्य है, वो जीवन है, वो हमराही है, वो ज्योति है, वो उजियाला है, वो हमारी चाहत है, वो हमारी आरजू है। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, तू ही मेरा हौसला प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु।
नाम से हम विनती करते पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।